किड्स, वेलकम टू थर्ड स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर क्लास। टुडे आई कम विथ लेसन नंबर 28। लेसन नेम इज द पर्सनल प्रोनाउन। विद द हेल्प ऑफ ग्रामर वर्कबुक आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ओके, फर्स्ट वी विल क्लियर और फर्स्ट वी विल रिवाइज द डेफिनेशन अबाउट प्रोनाउन। प्रोनाउन का जो डेफिनेशन है, पहले फर्स्ट वी विल मेमोराइज दैट, उसे हम पहले मेमोराइज करेंगे। ओके, तो प्रोनाउन क्या है? व्हाट इज प्रोनाउन? ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इन द प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन वो वर्ड है जिसका इस्तेमाल हम लोग नाउन के लिए करते हैं। प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट आर यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन वो वर्ड है जो नाउन की जगह पर आते हैं। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो सेंटेंस दिया हुआ है उसे केयरफुली आपको देखना है। अनु इज ए गुड गर्ल एंड लाई एंड आई लाइक अनु बिकॉज अनु स्टडीज हार्ड। अनु क्या है? अनु एक अच्छी लड़की है और मैं अनु को इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि वह बहुत मेहनत से पढ़ाई करती है। तो सो इन प्लेस ऑफ अनु वी कैन यूज हर। ओके, एंड सी, हर एंड सी वी कैन यूज इन प्लेस ऑफ अनु। लुक, अनु इज अ गुड गर्ल। I like her. Her means Anu. Her means Anu. Her we use for feminine gender and his, H-I-S, his we use for masculine gender. Anu is a feminine gender. That's why we use her for Anu. And because she means she, कौन है यहाँ पर? She कौन है? Anu. सी स्टडीज हार्ड। अनु इज ए गुड गर्ल एंड आई लाइक हर बिकॉज सी स्टडीज हार्ड। अनु एक अच्छी लड़की है और मैं उसे इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि वो बहुत मेहनत से पढ़ाई करती है। ओके, सो इन द सेकेंड सेंटेंस हर एंड सी आर यूज इन द प्लेस ऑफ अनु। सी एंड हर आर प्रोनाउंस। सो सी एंड हर आर प्रोनाउन। ए प्रोनाउन इज ए इज यूज टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन का इस्तेमाल हम लोग नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए भी करते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग नेम अगेन एंड अगेन ऑफ एनी पर्सन वी कैन यूज प्रोनाउन फॉर देम, सुटेबल प्रोनाउन फॉर देम। इफ मस्क्यूलिन इज देयर देन वी कैन यूज ही और हीज। इफ फेमिनाइन इज देयर देन वी यूज हर एंड सी। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ ग्रामर वर्क बुक आई एक्सप्लेन दिस लेसन। नाउ विद द हेल्प ऑफ ब्लैक बोर्ड आई एम गोइंग टू गिव यू क्वेश्चन आंसर रिलेटेड विद दिस लेसन। लुक एट द डाउन। वेयर? लुक एट हेयर। आई, मी, ही, हिम, सी, हर, वी, अस, यू, इट, दे एंड देम आर पर्सनल प्रोनाउन। दीज ऑल आर प्रोनाउन। ओके, look at the question number 1. Rewrite the following sentences with pronoun. Pronoun के साथ क्या करना है आपको? You have to rewrite the given sentences. Look at one number. I am Rohan. My mother gave Rohan a wrist watch. मैं रोहन हूँ। मेरी मम्मी का नाम, मेरी मम्मी ने रोहन को एक wrist watch दिया। Okay? So why, how we can rewrite this by using pronoun? I am Rohan. My mother gave me a wrist watch. मैं रोहन हूँ और मेरी मम्मी ने मुझे एक wrist watch दिया। So instead of Rohan, we can use a me for myself. Okay? Look at the sentence once again. I am Rohan. My mother gave me a wrist watch. Me came for Rohan. Me किसके लिए आया है? Rohan के लिए. So me is a pronoun. Okay? Look at the question number 2. The children saw a stray dog. The children gave the stray a dog biscuit. Look at question number 2. The children saw a stray dog. The children gave the stray dog a biscuit. बच्चों ने एक स्ट्रे डॉग देखा और उन्होंने मीन्स चिल्ड्रेन।
द चिल्ड्रेन गेव द स्ट्रे डॉग ए बिस्किट, उन्होंने उस डॉग को बिस्किट दिया। तो हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, इंस्टेड ऑफ द चिल्ड्रेन वी हैव टू यूज ए सूटेबल प्रोनाउन। सो आफ्टर यूजिंग प्रोनाउन वी गेट द सेंटेंस एज द चिल्ड्रेन सॉ ए स्ट्रे डॉग, दे गेव द स्ट्रे डॉग ए बिस्किट। दे किसके लिए आया है, फॉर हुम वी यूज दे वी यूज फॉर द चिल्ड्रेन। द चिल्ड्रेन इज ए प्लुरल वर्ड, सो फॉर प्लुरल वर्ड वी ऑलवेज यूज THEY दे। दे मीन्स बहुत सारे बच्चे, सो मेनी चिल्ड्रेन गेव द स्ट्रे डॉग ए बिस्किट। सो इन दिस केस दे इज ए प्रोनाउन वर्ड। ओके, लुक एट 3 नंबर। राहुल एंड आई आर ब्रदर्स। राहुल एंड आई लिव इन मुंबई। द बॉयज एट स्कूल लाइक राहुल एंड आई। लुक एट द सेंटेंस केयरफुली। इन दिस सेंटेंस राहुल एंड आई कम्स अगेन एंड अगेन, सो वी हैव टू रिप्लेस राहुल एंड आई बाय ए सूटेबल प्रोनाउन। ओके, सो बाय यूजिंग ए सूटेबल प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ राहुल एंड आई We get Rahul and I are brothers. He किसके लिए आया है, Rahul. He came for Rahul and I live in Mumbai. The boys at school like him and me. उसको और मुझे सभी बच्चे पसंद करते हैं। Now next sentence. Raju said to Sunil, Sunil must wait. Raju will join Sunil soon. Okay? In this sentence, Raju and Sunil comes again and again. So, we use a suitable pronoun for Raju and Sunil. So, after using a suitable pronoun, we will get the sentence like as. Raju said to Sunil, you must wait. He will join him soon. Okay? So with the help of Blackboard, I gave you 4 sentences and also I explained this lesson. After watching the video, write all things neat and good in your notebook. Okay, this is your grammar part.